ब्रिटेन के शाही परिवार में रिश्तों के पेंच के बीच जो खिचड़ी पक रही थी वो प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल के शाही दरबार को छोड़ने के बाद ही दुनिया के सामने आ गई थी। और इस घटना के बाद हर किसी ने अलग अलग अटकलें भी लगाई थी। लेकिन शाही परिवार में ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, इस राज से पर्दा पूर्व प्रिंस हैरी और मेगन के एक इंटरव्यू से उठा है। जानी मानी टीवी होस्ट ओपरा विनफ्री को दिए एक इंटरव्यू में शाही जोड़े ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening constant thought. And I remember how he just cradled me. मेगन का ये बयान इस इंटरव्यू का हिस्सा मात्र है। मेगन ने खुलासा किया कि शाही परिवार उनके बेटे आर्ची को प्रिंस नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उनके जन्म से पहले उन्हें डर था कि कहीं उसका रंग ब्लैक ना हो। मेगन ने अपने इस इंटरव्यू में शाही परिवार पर कई और गंभीर आरोप लगाए जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। I just really feel sorry for, particularly for Meghan and what she's had to go through. हालांकि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन इस इंटरव्यू को सुन नहीं पाए हैं, इसीलिए उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। I think it's quite late our time, so I'd probably miss it, and I'll be focusing, as I'm sure the you would expect, and the people of the country. शाही परिवार में कलह की खबरें तो पहले से ही सुर्खियों में थीं, जिसे हैरी और मेगन के इस विस्फोटक इंटरव्यू ने फिर से ताजा कर दिया है।